हेलो एवरी वन यू आई एम सोनम और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम ओ जापनीज़ एजुकेशन सिस्टम की एक्चुअली मेरा एक सेमेस्टर जापनीज यूनिवर्सिटी में कंप्लीट हुआ है एंड आई वाज सो मच एक्साइटेड टू मेक दिस वीडियो क्योंकि ये वीडियो मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग देखें स्पेशली स्टूडेंट्स देखें और वो अपने टीचर्स को भी दिखाएं ताकि हम लोगों को पता लगे कि इंटरनेशनली कैसी एजुकेशन चल रही है कहाँ पर इंडिया लैक कर रहा है ताकि हम भी अपने एजुकेशन सिस्टम में कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें आई नो एक नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है और उससे बहुत ज़्यादा हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बदलने वाला है लेकिन फिर भी हम अपने लेवल पे कुछ चेंजेस जो कर सकते हैं आई सिंसियरली वॉन्ट के हम सब लोग उस बात की ट्राई करें एंड दिस इज़ माई कॉन्ट्रीब्यूशन इन दैट आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो तो ये सब चीज़ें अभी मैं आपको आठ पॉइंट्स बताऊँगी जो मैंने वहाँ पर उन टीचर्स के देखे जो मुझे बहुत अच्छे लगे एंड आई सिंसियरली वॉन्ट कि हमारे टीचर्स भी उसको अप्लाई करना शुरू करें जो कि शायद बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी करते होंगे ये इसमें ये वीडियो कोई कंपेरिजन वीडियो नहीं है ना ही इसमें मैं ये बात बोलूँगी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये कमी है या वो कमी है ये बस एक तारीफ है इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम की जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे वो मैं शेयर करना चाहती हूँ ताकि वो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करें तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि वो बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च पढ़ाते हैं ये बात शायद सुनने में बहुत सिंपल लग रही हो मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बी बायोलॉजी में की है तो बायोलॉजी में हम लोगों को बॉटनी में पर्टिकुलरली मैंने बॉटनी में किया है यानी कि प्लांट बायोलॉजी में तो पूरा वक्त हम लोगों को जब पढ़ाया जाता था तो उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया जाता था जो नाइनटीन में हुए या फिर नाइनटीन एट्टी मतलब आई डोंट थिंक कि कोई भी हमें इस ट्वेंटी फ़र्स्ट सेंचुरी का कोई भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया गया या फिर आप भी सोच सकते हैं अगर हमें हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी ट्वेल्थ टेंथ की केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में भी हमें क्वांटम फ़िज़िक्स पढ़ाई जा रही थी हमें सब कुछ पुराना पढ़ाया जाता है लेकिन अभी फ़िलहाल की रिसर्च नहीं पढ़ाई जाती तो ये बात मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी जब हमारी क्लास में मैं आपका एग्ज़ाम्पल देती हूँ अभी मैं एमए कर रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस पे, तो हमें जोमी शिमर के बारे में पढ़ाया जाता था ये एक बहुत फेमस अमेरिकन रियलिस्ट है तो वो फिलॉसफी देते हैं अपनी तो जब आ, हमारे टीचर उनके बारे में बताते थे तो मुझे लगता था कि ठीक है होंगे कोई जो बुज़ुर्ग होंगे और अब तो मर गए होंगे ऑब्वियसली ऑब्वियस दैट वॉज सो मच ऑब्वियस टू मी कि वो होंगे और नाइनटीन एटीज़ या नाइनटीन सिक्सटीज़ या फिर एट नाइनटीन सेंचुरी में ही आए होंगे बट उसके बाद हमें उनके बारे में कुछ लिखने को बताया मतलब बोला गया कि इस टॉपिक पर बताओ कुछ तो मैंने YouTube पे सर्च किया उनके बारे में कि शायद किसी ने वीडियो बनाई होगी तो टू माई सरप्राइज वो अभी भी जिंदा थे लाइक like, उनके ख़ुद के लेक्चर्स मिल गए मुझे यानी कि उनका अभी लेटेस्ट एक महीना पहले दिया हुआ उनका एक लेक्चर मैंने देखा दैट वज़ वेरी शॉकिंग टू मी टू सी लाइक वो जिंदा है ये काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस था आई नो ये सुनने में शायद आपको अभी लग रहा हो कि ये कौन सी अजीब बात है पर ये एक अजीब बात है कि हाँ पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टेन्योर में मैंने एक भी साइंटिस्ट नहीं पढ़ा जो जिंदा था और अभी मुझे उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है जिनके खुद के रिसर्च पेपर मैं पढ़ रही हूँ जिन्होंने जिनके रिसर्च पेपर अभी ट्वेंटी ट्वेंटी या ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ही आए थे तो आ, मुझे लगता है कि हमें भी अब अप टू डेट होने की ज़रूरत है हमें भी ज़रूरत है कि हम लोग रिसर्च करें और लेटेस्ट चीज़ को पढ़ें और पढ़ाएँ दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पर टीचर्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं टू बी अ टीचर लाइक ये एक बड़ी बात है क्योंकि हमारे आसपास मैंने ये सोच देखी है कि लोग कहते हैं कि जब कुछ नहीं होगा ना जॉब नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं टीचर बन जाना कोई बात नहीं किसी स्कूल में पढ़ा लेना कोई बात नहीं किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाना एज इफ कि जब कुछ नहीं होता तो हम टीचर बनते हैं कि अगर शुरू से ही अगर सोच ही ऐसी हो जाएगी तो हम किस तरह के टीचर बनेंगे हारे हुए टीचर राइट तो लेकिन उनके इसमें मैंने देखा है कि दे आर सो प्राउड टू बी अ टीचर वो इत और स्पेशली स्पेशली हम लोग के क्या होता था कि हम लोग ना कि एक टीचर का नाम पता लग जाए तो उसको फेसबुक पे सर्च करने लगते हैं आप पता नहीं आप ऐसे करते हो यानी मेरे मैं और मेरे क्लासमेट्स तो बहुत ऐसे करते थे हमें फिर हो जाती थी, थी कि अच्छा नया टीचर आया है मैरिड है या नहीं बच्चे हैं या नहीं दिस दैट दिस दैट तो कितना अच्छा हो जाए ना कि वो टीचर हमें आकर खुद अपने बारे में बताएं लाइक अब मैंने देखा है कि इंटरनेशनल टीचर्स हमें जब आते हैं तो पूरा आधा लेक्चर यानी कि हमारा तीन घंटे का लेक्चर होता है तो शुरू के डेढ़ घंटा फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं वो बताते हैं कि उन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि उनके एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी उनका कॉलेज में कैसे एडमिशन हुआ उनके कितने बच्चे हैं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं उनके बच्चों ने कहाँ से पढ़ाई की है Wow! मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि वो हमें कनेक्टिंग मतलब वो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें एक फैमिली समझ रहे हैं और एक बात ये कि वो कभी भी ऐसा टीचर जैसा फ़ील नहीं कराते वो हमेशा बोलते हैं कि हम लर्निंग पार्टनर्स हैं तुम्हारे मैंने देखा है कि हमारे मोस्टली टीचर्स यही करते हैं कि वो ख़ुद को टीचर इनफैक्ट एक टीचर तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे टीचर भी मत बोलो लाइक like, जापान में हम उन्हें सेंसे बुलाते हैं तो हमें खुद को सेंसे भी नहीं बोलने देते वो कहते हैं कि आप प्लीज़ मुझे फ्रेंड समझो अपना आ, या फिर आप मुझे मेरे सिर्फ नाम से बुलाओ आ, मतलब वो जबकि वो सिक्सटी ईयर्स फिफ्टी फाइव या सिक्सटी की एज के हैं बट स्टिल वो हमें बोलते हैं कि प्लीज़ हम उन्हें उनके नाम से बुलाएं सीधा ताकि उन्हें भी कनेक्शन फील हो और वो अब वो ज़मीन से जुड़े रहें वो ख़ुद को वो वो भी एक स्टूडेंट की तरह फ़ील करें और हर रोज़ और रिसर्च करके आए हमें और अच्छा पढ़ाने के लिए तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो लोग ख़ुद को टीचर नहीं समझते वो ख़ुद को एज अ स्टूडेंट ही फ़ील कराते हैं और एज अ फ्रेंड ही हमें फ़ील कराते हैं और ख़ुद को लर्निंग पार्टनर समझते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोफेसर जिनसे हमें बात करने में भी, भी डर लगे लाइक आई नो आई रिमेंबर सम टीचर्स जिनसे हमें बात करने में भी, भी बहुत डर लगता था पर आई गेस नाउ आई रियलाइज़ कि दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी लाइक टीचर का मतलब होता है कि हम उनसे सीखें आई होप यू गॉट द पॉइंट और थर्ड uh, पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है कि लाइक uh, like वो लोग हमें बुरा नहीं फील कराते फॉर एग्ज़ाम्पल कि uh, जैसे मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड है क्योंकि मैंने जैसे मैंने बताया कि मैंने अपनी बी एस सी बायोलॉजी में की थी तो अभी फ़िलहाल हमारी क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है तो वो टीचर जब भी हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो बेस से शुरू कराते हैं और बोलते हैं कि आ, मैं बेस से करा रहा हूँ बिकॉज़ कुछ बच्चे बायोलॉजी और फिजिक्स बैकग्राउंड के भी हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो दे टेक इट वेरी मतलब ये वो इस बात को बहुत ज़्यादा स्मूथ समझते हैं कि इट्स ओके इट्स फाइन टू चेंज द स्ट्रीम आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम जब मैंने इंट्रोडक्शन दी थी एंड आई टोल्ड डिम कैम फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड एंड फ्यू अदर्स और भी बच्चे थे जिन्होंने अपनी बिल्कुल अपनी एम में अपनी स्ट्रीम बिल्कुल बदल दी थी आई रिमेम्बर माई टीचर सेट टू मी के आई होप यू विल गेट नोबल प्राइज वन डे एंड आई वुड गूस वम दाक हींगट कि वाई आर यू सेंग दैट एंड लाइक बिकॉज यू कैन थिंक वट आई कैन नॉट थिंक बिकॉज मैंने पूरी उम्र उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि उन्होंने पूरी उम्र सिर्फ आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ा है यानी कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है इकोनॉमिक्स पढ़ी है लेकिन वो मेरे थ्रू साइंस को भी जान सकते हैं लाइक दे उन्होंने इस बात को इतना पॉजिटिव लिया और अब डाइवर्सिटी को इतनी ज़्यादा खुशी से लेते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको पॉजिटिव positive, पॉजिटिवली हमें बताते हैं लाइक आई गेस कि यही टीचर को करना भी चाहिए क्योंकि एक टीचर का मतलब ही यही होता है आई गेस कि वो अपने स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट फील कराए क्योंकि वही तो अपने स्टूडेंट्स को नर्चर करते हैं उनको आगे मतलब अगर वो ही अपने स्टूडेंट्स को बुरा फील कराएंगे कि क्या तुम्हें तुमने इतने साल एक सब्जेक्ट पढ़ा और तुम्हें क्या समझ में नहीं आया था कि तुम अब ये कर रहे हो तो आई गेस दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट एंड आई गेस हम सबको ये करना चाहिए वी शुड ऑल मोटिवेट ईच अदर और फोर्थ uh, नंबर पे आई टोल्ड यू कि वो टीचर्स मैंने देखा है कि दे आर वेरी मच फ्रेंडली मतलब फ्रेंडली इन देंस कि अभी तो मैं जापान गई नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है कि जो मतलब सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको वो टीचर्स योगा सिखाते हैं जिनको योगा आती है लाइक जो मतलब हमारे इस साइड के हैं लाइक नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश के जो टीचर्स हैं वो वहाँ पर जाकर बच्चों को योगा सिखाते हैं लाइक वेस्टर्न स्टूडेंट्स को और उनको माउंटेन हाइकिंग पे लेकर जाते हैं उनको बहुत जगह घुमाते हैं ट्रिप्स पे अपने घर डिनर पे बुलाते हैं और जब वो लोग थीसिस लिख रहे होते हैं तो स्पेशली उनको डिनर पे बुलाया जाता है और 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 हमारी क्लास में जब लाइक हमारा तीन घंटे का लेक्चर होता है तो डेढ़ घंटे के बाद दस मिनट की ब्रेक दी जाती है तो हमारे सर हम हमारे लिए के पॉप सॉन्ग्स चलाते हैं लाइक ताकि हम लोग कनेक्टेड फील कर सकें लाइक वी ऑल लव के पॉप तो और उसके बीच अच्छे अच्छे सॉन्ग्स की बीच ढूंढ कर वो उस दस मिनट के ब्रेक में चलाते हैं ताकि हम लोग अपना मूड फ्रेश कर सके या फिर जिस दिन हम हे कहते हैं कि सर हमें बहुत बर्डन फील हो रहा है तो वो हमें जेम्स पॉन्ड की मूवी भेज देते हैं लाइक सबको एक ईमेल आता है कि या फिर किसी वीकेंड पर एक सरप्राइज मूवी हमारे लिए आ जाती है विच्स आई गेस इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि इससे स्टूडेंट्स बहुत कनेक्टेड फील करते हैं इससे स्टूडेंट को ये फील होता है कि वो कुछ किसी किसी अजनबी से नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग भी हमारे जैसे इंसान हैं हमें सोचना पड़ेगा ये बात कि टीचर्स भी तो ह्यूमन बींग ही है ना वो भी तो मूवीज़ देखते होंगे एक्चुअली वो भी तो सॉन्ग सुनते होंगे एक्चुअली तो उसे शर्माने की क्या बात है अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो ओपनली जब हमारे क्लास में सॉन्ग्स चलाते हैं या फिर वो हमें मूवीज भेजते हैं बिकॉज दिस इज़ हाउ इट शुड बी क्योंकि वो वो भी तो देखते होंगे ना एक्चुअली तो और स्पेशली अगर वो हमसे इतने ज़्यादा उम्र में बड़े हैं तो डेफिनेटली उनकी मूवीज़ की चॉइस भी हमसे अच्छी होगी वो क्लासिक मूवीज़ देखते होंगे एंड यही चीज़ वो सब हमें बताने की कोशिश करते हैं लाइक like हमें सजेशन देते हैं क्लासिक मूवीज़ का या फिर हमें मेल ही कर देते हैं वो मूवीज़ बिच आई फील इज़ अ वेरी गुड आइडिया एक और बात कि वो टीचर्स सब लोग बहुत ज़्यादा टाइम के पंचुअल हैं सबसे पहले तो क्योंकि बात ही जापान की हो रही है तो पंचुअलिटी की बात किए बिना हम लोग वीडियो ख़त्म ही नहीं कर सकते तो इसीलिए लिए हाँ वो लोग बहुत ज़्यादा पंचुअल होता है लाइक जब उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी क्लास साढ़े नौ बजे शुरू हो जाएगी तो ये नहीं होता कि नाइन थर्टी के बाद वो पाँच मिनट किसी बच्चे का वेट करें नाइन थर्टी पर एग्जैक्ट क्लास शुरू हो जाएगी मतलब वो अपना पढ़ाना शुरू कर देंगे वो वेटिंग पाँच मिनट पहले ही हो जाती है तो जिस टाइम क्लास का स्केड्यूल टाइम होता है उस टाइम पर ही क्लास शुरू होती है और मुझे मैंने दो तीन बार ऐसा केस हुआ हमारे साथ कि हमारी क्लास टू ट्वेंटी पर ख़त्म होती थी और दो बजे एग्जैक्टली वो अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं और बीस मिनट क्वेश्चन आंसर्स डाउन होता है कि किसी बच्चे को उस पूरे लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं तो क्या हुआ था कि एक बार सर ने टू टेन पर लाइक हम सब ने अपने क्वेश्चन पूछे एंड क्वेश्चन आंसर राउंड खत्म हो गया तो जूम क्योंकि जूम पर उस टाइम पूरी क्लास जूम पर लगती थी कोई हाइब्रिड क्लास भी नहीं तो सेम कोई भी बच्चा जापान नहीं गया था तो दो दस से लेकर दो बीस तक मतलब जेनवनली तो, तो ये होना चाहिए कि जूम कट कर दो कॉल खत्म हो जाए क्योंकि क्लास ख़त्म हो गई है बट द टीचर सेट टू अर्स जो कि मुझे इतना अजीब लगा था उन्होंने कहा कि मैं यहीं हूँ तुम लोग चले जाओ एज एफ ये बहुत बड़ी बात है कि उन टीचर ने अपना पूरे टाइम तक वो रुके उन्होंने बोला कि मैं दो बीस तक यहीं हूँ तुम लीव कर जाओ क्लासरूम तुम्हें अगर फिर भी कोई क्वेश्चन याद आ जाए तो फिर से ज्वाइन कर लेना मैं यहीं पर बैठा मिलूँगा दो बज बी, दो के बीस मिनट तक यानी जब तक मेरी क्लास है पर ये ये अजीब था क्योंकि मैंने आज तक टीचर्स को ऐसे ही देखा है कि वो बीस मिनट पहले शायद क्लास छोड़ चले जाते हैं लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो वहाँ वहाँ पर एंड तक रुके वो उसको क्योंकि उस दिन के बाद से एज अ स्टूडेंट हम लोग टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं और मुझे लगता है कि उस दिन के बाद से मुझ में बहुत चेंजेस आए कि वो दो बीस तक वो रुके तो अगली बार जब वो दो बीस तक रुके मैं भी उनके साथ रुकी और आई गेस मेरी पूरी क्लास उनके साथ रुकी थी क्योंकि हम सबको ये सीख मिली कि अगर टीचर हमारे लिए वेट कर सकते हैं तो वी शुड रिस्पेक्ट देम ना तो हम लोगों को भी वेट करना चाहिए दिस जिसमें मतलब ये छोटे छोटे लेसन्स हमें टीचर सिखा कर जाते हैं एंड आई गेस कि हम अगर मतलब हम एज अ स्टूडेंट्स और इंडियन टीचर्स अगर इस चीज़ को अपने बिहेवियर में लाएंगे तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपने लेवल पे एजुकेशन सिस्टम चेंज कर सकते हैं आई अगेन वांट टू से आई आई सिंसियरली अपोलोजाइज कि अगर किसी को ये सुनकर बुरा लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि ये कोई कंपेरिजन वीडियो है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोल रीज़न ऑफ मी मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि हम शायद उनसे कुछ सीख सकें बिकॉज आफ्टर ऑल हम सब लोग स्टूडेंट्स ही तो हैं हम लोग सीखना ही तो चाहते हैं हम लोग ग्रो ही तो करना चाहते हैं एंड वो बातें बहुत अच्छी हैं जो मुझे उनमें लगी विच आई सी सीरियसली वॉन्ट ही हम सब में हूँ एक और बात कि वो लोग मतलब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जैसे मैंने कहा कि दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर प्रोफेशन दे आर वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ टीचर बीइंग अ प्रोफेसर दूसरा कि दे आर वेरी मच लाइक पेड वेरी वेल ये ये शायद हमारे पूरे सिस्टम की ही गलती है कि हमारे टीचर्स को इतना कम पे किया जाता है कि वो लोग अपना बेस्ट दे ही नहीं पाते लेकिन उनके केस में उनको इतना हाई मतलब माई टीचर्स आर सो मच हाई पेइंग मतलब बहुत ज़्यादा उनको पैसा मिलता है पढ़ाने का कि दे जस्ट गिव द सुपर बेस्ट और इतना ज़्यादा अच्छा कि लाइक वो एक लेक्चर में एक स्लाइड में लाइक एक पावर पॉइंट स्लाइड में एक या दो लाइन सिर्फ एक बुक से होती है लाइक अगली दो लाइन्स किसी और बुक से होती है इतना वेल well रिसर्च वो पूरी प्रजेंटेशन होती है लाइक इनफैक्ट एक टीचर हैं वो वो तो ये बिलीव करते हैं कि मैं प्रेजेंटेशन ही नहीं दूंगा लाइक पावर पॉइंट वाली वो लोग वो सब मतलब वर्ड में लिखते हैं सब कुछ लाइक सेवन थाउजेंड एट थाउजेंड कम से कभी कभी तो दस हज़ार वर्ड का एक बड़ा ऐसे होता है दस हज़ार वर्ड बहुत बहुत ज़्यादा होता है दस हज़ार वर्ड का एक कंप्लीट ऐसे एक बुकलेट सी होती है हर हफ्ते जो हमें वो देते हैं और उनको रीड करते हैं लाइन टू लाइन वो कहते हैं कि मैं अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लाऊंगा क्या पता कुछ तुम लोग में से कोई बच्चों से ना सुने लेकिन अगर मैं अपने पूरे लेक्चर को वर्ड टू वर्ड टू मैं लिख दूंगा तो तुम्हें वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी वो बुकलेट एंड आई गेस दट द मोस्ट इफेक्टिव मैथड और मुझे लगता है कि सब सब्जेक्ट में से मेरे सबसे अच्छे नंबर भी उन्हीं के सब्जेक्ट में आते हैं क्योंकि रिविज़न के टाइम मेरे पास उनका पूरा लेक्चर वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ मिलता है मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता कि नोट्स दे दो टीचर ने हमें खुद लिख कर ही सब कुछ दे दिया विच लाइक लाइक टू मच एफर्ट्स और वो भी पूरा सब कुछ लाइक वो टीचर हमें पढ़ा रहे थे तो वो, वो नॉवेल्स के भी रेफरेंसेस देते हैं फॉर एग्जांपल आई लव रीडिंग नॉवेल्स और मैंने यूअल नोआ हरारी के बारे में, में हमेशा बात करती रहती हूँ होमवर्ड यूजर होपो होमोसेपिय बहुत अच्छी बुक्स हैं उनकी वो सर हमें उन बुक्स के रेफ क्योंकि वो एक बहुत अच्छी साइंटिफिक बुक है आई आई गेस हर एक सोशल साइंस साइंस कॉमर्स हर स्ट्रीम के बच्चे को वो बुक्स पढ़नी चाहिए और वो सर ने हमें एक पूरा लेक्चर दिया था जिसके अंदर सिर्फ उस बुक के नोट्स हमें दिए गए थे तो विच इज़ आई गेस इज़ वेरी गुड बिकॉज वो ही वो बिल्कुल अप टू डेट स्टडी हो गई ना कि आजकल जो जेनरेशन भी चल रहा है और आजकल जो हमें एक्चुअली पढ़ना चाहिए तो और वो सब क्यों हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च इसलिए करी क्योंकि क्योंकि दे वर वेरी हैप्पी विद वॉट दे आर डूइंग दे आर वेरी हैप्पी कि वो वो अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हैं और वन ऑफ द रीज़न अपने प्रोफेशन से खुश होने का ये होता है कि दे आर पेड वेरी वेल सो आई गेस एवरीथिंग इज़ इंटरलिंग तो मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम में भी जब हमारे टी, टीचर्स को एक्चुअली जितना वो डिज़र्व करते हैं उतना मिलने लगेगा तो वो भी हमें और भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाने लगेंगे और अब हम लोग बात करेंगे टिप की जो मुझे बहुत अच्छा एक आ, मतलब क्लासरूम का इन्वामेंट एक बहुत मुझे अच्छा लगता है वो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि तीन घंटे का लेक्चर होता है तो कुछ टीचर यूँ करते हैं कि तीन घंटे के लेक्चर में डेढ़ घंटे तक खुद पढ़ाते हैं लाइक अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कंप्लीट हमें बताते हैं एंड देन अगले अगला डेढ़ घंटे का फर्स्ट एक घंटा हम लोगों को हमारी पूरी क्लास को कुछ ग्रुप्स में बांट दिया जाता है लाइक like, पांच या छह बच्चों का एक ग्रुप होता है और हम लोगों को बोला जाता है कि डिस्कस एवरीथिंग कि जो भी तुमने अभी तक सीखा लाइक like, मेरे पिछले डेढ़ घंटे के लेक्चर में उस बात को डिस्कस करो इनफैक्ट ना सिर्फ डिस्कस करो अपने खुद की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर मुझे भेजो मतलब शाम तक मुझे भेज देना और कभी कभी तो कुछ टीचर्स यूँ करते हैं कि लाइक like, एक घंटे में हम लोग अपने ग्रुप्स में लाइक ब्रेकआउट रूम्स में अलग अलग प्रेजेंटेशन uh, बनाता है और अगले आधे घंटे में हम लोग पाँच पाँच मिनट पे सारे ग्रुप्स वाले उसको उसको लाइक like, डिस्क्राइब करते हैं जिससे ये पता लगता है कि हम पूरे तीन घंटे एक्टिव रहे थे जिससे हमने पूरा सब कुछ कंज्यूम किया जो वो हमें बताना चाहते थे और एक बात ये कि वो लोग हमें बहुत सारा कुछ रीड करने को देता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मान लो कि हमें पढ़ाई करनी है या ये वाला टॉपिक हमें कल पढ़ाया जाएगा तो उसके सारे उसके बारे में जो रिसर्च पेपर्स हैं अच्छे है, अच्छे जर्नल्स हैं अच्छी अच्छी बुक्स की कुछ बुक्स के कुछ चैप्टर्स हैं वो सब लोग हमें मेल कर दिए जाते हैं और बोला जाता है कि तीन दिन बाद तुम्हें ये पढ़ाया जाएगा तो इसको पढ़ कर आना पहले और क्योंकि कुछ अब इतने अच्छे तो हम लोग नहीं होते ना कि टीचर्स हमें कुछ दें और हम लोग उसे एक्चुअली पढ़ लें तो इसीलिए वो हमारे क्लास में सर प्राइस टेस्ट रखते हैं कि ताकि हमें एक्चुअली जो उन्होंने पढ़ने को दिया था वो वो हमने पढ़ा भी है या नहीं तो इसीलिए हमारा सरप्राइज टेस्ट होता है क्लास में इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं बचता पढ़ने के अलावा मुझे नहीं पता एक अच्छा आइडिया है या नहीं बट मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा शुरू में मैं उसे बहुत क्रिटिसाइज करती थी बट मुझे ऐसे लगा कि आ, दिस इज़ नेसेसरी तभी हम मैं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि सर प्राइज़ टेस्ट हो रहे हैं नहीं तो शायद मैं उसे इग्नोर कर देती या मैं कुछ और करने लग जाती क्योंकि जूम पर क्लास लगाते हुए घर पर क्लास लगाते हुए हम लोग इतना एक्टिव नहीं रह पाते और हम अपनी स्टडीज़ को भी इतना सीरियस नहीं ले पाते जब पर तो हमें एक्चुअली प्रेशर ना हो से पढ़ने का विच आई गेस इज़ अ वेरी गुड आइडिया जो मुझे वहाँ वहाँ पर मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया एंड विच आई गेस की कैन बी अ वेरी नाइस टिप फॉर इंडियन टीचर्स और टीचर्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड जो 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 कंफ्यूज है इस बात से कि कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ा दें जब उन्हें काम दिया जाता है और वो पढ़ते नहीं हैं और वो वो सब प्राइस टेस्ट के मार्क्स डायरेक्टली हमारे फाइनल एग्जाम में ऐड होता है तभी इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं बचता और पढ़ना ही पड़ता है और क्लास के बाद लाइक यानी कि एक महीने बाद एक पूरा कंप्लीट टेस्ट लिया जाता है कि जितना पढ़ा दिया उस सब का टेस्ट तो और हाँ ओपन बुक होता है सब कुछ ओपन बुक होता है लेकिन टॉपिक ही ऐसा दिया जाता है कि एकदम प्लाजम नहीं होनी चाहिए और हमें इन इनफैक्ट हमें कुछ दिन दिए जाते हैं ऐसे नहीं कि तीन घंटे में पूरे प्रेशर से लिखते रहो लिखते रहो ऐसा कुछ नहीं होता हमें एक हफ्ते का टाइम देता है एक क्वेश्चन दिया जाता है और एक हफ्ता दिया जाता है कि एक हफ़्ता तुम्हारे पास आराम से इसको इसके बारे में सर्च करो पूरा पढ़ाई करो इसके बारे में और उसके बाद उसको मतलब दो हज़ार या तीन हज़ार वर्ड्स में एक ही क्वेश्चन को लिखो लाइक ऑप्शन मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन के कि जो भी तुम्हें क्वेश्चन अच्छा लगता है अपनी पसंद का चुन लो और लिखो इनफैक्ट अगर तुम्हें इतनी भी फ्रीडम दी जाती है कि अगर तुम्हें इन चार क्वेश्चन में से भी कोई क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा तो अपना खुद का क्वेश्चन बनाओ हमसे एक बार पूछ लो कि या क्वेश्चन ठीक है या नहीं उसके बाद खुद लिख लो और उसका आंसर हमें सबमिट कर दो वो आंसर पूरा ऐसा रिसर्च थीसिस की फॉर्म में सबमिट करना होता है विच आई गेस इज अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज अभी तक मैंने चार सब्जेक्ट्स थे तो चार सब्जेक्ट्स के चार इस तरह से क्वेश्चंस लिखे और कुछ मुझे कभी शायद बीएससी का भी ना आता हो लेकिन मुझे वो चार क्वेश्चन के आंसर्स बहुत अच्छे से आते हैं एंड आई सिंसियरली पूरा मुझे सब पता है कि उसके बारे में मैंने क्या लिखा था क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत 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 रिसर्च की थी क्योंकि जब हमें एक हफ्ते का टाइम मिलता है तो हम बेस्ट देना चाहते हैं ना कि हम लोग क्या रिसर्च करके लिखे तो जाने कितनी बुक्स और कितने आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे और आई गेस इट्स अ वेरी गुड आइडिया क्योंकि हमने पूर, हमने इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया आफ्टर ऑल हमें ये तो पता है ना कि हमने एक सेमेस्टर में ये तो पक्का सीख लिया था बाकी थोड़ा थोड़ा सीख लिया था क्योंकि सरप्राइज टेस्ट हुए लेकिन ये तो पक्का सीखा था जो क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा एक हम बात कर रहे थे कि कैसे ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट चॉइस की फ्रीडम है फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने इंटरनेशनल रिलेशन लिया है तो मुझे अपने कोर कोर्सेज़ के तीन या चार सब्जेक्ट्स हर सेमेस्टर में लेने हैं लेकिन उसके अलावा मैं कुछ भी पढ़ सकती हूँ फॉर एक्ज़ाम्पल मैं एम भी एम के सब्जेक्ट्स पढ़ सकती हूँ मैं फाइनेंस पढ़ सकती हूँ मैं टेक्नोलॉजी पढ़ सकती हूँ लाइक देर इज़ सो मच फ्रीडम कि मैं जो मैंने देखा है कि अब डेली यूनिवर्सिटी में भी था लाइक like, uh, मेरा बॉटनी ऑनर्स था तो मैं साथ में हिस्ट्री पढ़ने पढ़ा जा सकता था मुझसे लाइक like, मैं अपना साथ में एक्स्ट्रा में ले सकती थी जी ई की फॉर्म में तो विच इज़ आई थिंक इज़ ग्रेट और अभी हम like, लाइक हमारे यहाँ पे भी चेंजेस होने लगे हैं विच आई फील इज़ अमेजिंग तो इसके अलावा एक uh, अब हमने इतनी सारी बात कर ही ली है तो uh, मैं इसको रैप करना चाहती हूँ कुछ ऐसे डिफरेंसेस से जो मैं मुझे देखने को मिले लाइक like, जो मैंने Uh, काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं मैंने जापान के बारे में तो उससे मुझे पता लगा कि uh, ये अभी अभी जो मैंने यूनिवर्सिटी से डिफरेंसेस देखे ये सब तो उसके बारे में था लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि uh, क्या होता है जापान में जब वो बच्चे होते हैं उनकी कैसी एजुकेशन सिस्टम होता है उनका क्या एजुकेशन सिस्टम हमसे अलग होता है कि वो इतने ज़्यादा एडवांस्ड हैं या फिर वो इतने ज़्यादा उनको नोबल प्राइज़ मिले हुए हैं तो इनमें से कुछ बातें है ऐसी हैं कि उनको बचपन से ही लाइक मॉरल वैल्यू सिखाई जाती है ये सच है कि तीन साल तक स्टार्टिंग में उनके एग्जाम्स नहीं होते और उन्हें सिर्फ उनकी मॉरल वैल्यूज़ पर ध्यान दिया जाता है और ये कि जैसे हमने शायद नोबिता और मतलब डोरेमोन के अंदर हमने देखा है ना कि नोबिता कैसे स्कूल में क्लिनिंग करता है ऐसा एक्चुअली होता है कि बच्चे मतलब अपना सारा काम लाइक खुद करते हैं लाइक झाड़ू पोछा सारा सब कुछ खुद करते हैं मिलकर जिससे कि टीम वर्क की उनमें क्वालिटी पैदा होती है और क्लिनलीनेस की भी ताकि मतलब वो इसीलिए वो काफ़ी सफ़ाई पसंद होता है क्योंकि शुरू से उनको सिखाया होता है कि आपके घर में कोई मेड नहीं आएगी या आपके स्कूल में कोई मेड नहीं आएगी साफ़ करने और मेड कोई होती भी नहीं है इनफैक्ट वो सब सब टीचर्स और बच्चे सब लोग मिलकर ही पूरे स्कूल की सफाई करते हैं क्योंकि स्कूल भी तो घर है ना और वो उसको लिटरली ऐसा ही मानते हैं कि स्कूल घर है जब अपने घर में हम खुद सफाई करेंगे तो स्कूल में क्यों नहीं तो और ऐसा एक बुक में मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि जापान के स्कूल में जाकर विज़िट करके इट मीनस कि आप एक बार बस विज़िट करो आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा जितना इंडिया में आप दस साल की पढ़ाई करके स्कूल में नहीं सीखते जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे लगा कि बहुत एग्जाजरेट किया हुआ है लाइक ऐसे थोड़ी ना होता है कि इतनी बेज़ती दी है फलाना निमकाना तो मुझे बहुत ऐसा लगा था लेकिन नाउ वैन आई रीड दैट और अभी ऐसा हुआ था कि मेरी कुछ फ्रेंड्स जिनकी मैक्स स्कॉलरशिप लगी थी तो uh, लाइक एक गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है वो तो कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं फिलीपाइन से और इंडोनेशिया से वो लोग पहुंच गए हैं वहाँ पर तो उनको स्कूल विजिट करवाया जाता है तो मैंने उनसे बात किया एंड शी वो सेम मे द सेम कि उसको एक विज़िट के दौरान ही इतना कुछ सीखने को मिला एंड वेन आई आज द रीज़न उसने भी यही बोला कि बहुत हैरान हो गई थी वो देख कर कि छोटे छोटे बच्चे खुद अपनी साफ़ सफाई कर रहे हैं खुद झाड़ू पोछा लेकर झाड़ू पोछा कर रहे हैं और बहुत हम्बिल हैं बहुत एक्टिव हैं और सबसे बड़ी बात कि वो पूरे स्कूल को बहुत अपना समझ रहे हैं तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ये बात की क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो इसलिए पाँच पाँच छः छः साल के बच्चे खुद स्कूल जाते हैं खुद शिनखान सीम शिनखान से मतलब उनकी बुलेट ट्रेन में आप आप जब कभी जापान विजिट करोगे तब भी आप देखोगे कि बुलेट ट्रेन छोटे छोटे मतलब चार पाँच छः साल के छोटे छोटे बच्चे खुद अपना बैग टांग कर जा रहे होते हैं एक अभी मेरे एक बुक बुक पढ़ी थी ओरिएंटिंग जो पल्लवी अयर की एक बुक है उसके अंदर भी उन्होंने एक फोटोग्राफ भी एक छः साल की लड़की की लगाई हुई है जिसमें वो खुद अपना बैग लेकर स्टेशन पर ऐसे मेट्रो का वेट कर रही है और फिर उन्होंने नीचे लिखा था कि मैं तो हैरान रह गई इस छोटी सी बच्ची को देख कर कि वो खुद खुद से स्कूल जा रही है मेट्रो चढ़ कर और हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे वो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास के बच्चों को उनकी माएँ छोड़ने जा रही होती है तो वो कैसे इंडिपेंडेंट बनेंगे ठीक है केयर अपनी जगह है लेकिन Uh, मुझे ये बात अच्छी लगी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड इसमें एक्जैक्टली तो मैं ये नहीं कहूँ कि पाँच साल के बच्चों को अकेला स्कूल जाने दो पर हाँ कुछ बड़े हो जाएं तो थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी थोड़ी सी दे देनी चाहिए ताकि वो इतने डिपेंडेंट ना बने और ये कि वहाँ का लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है लाइक नाइन्टी नाइन पॉइंट समथिंग परसेंट है विच इज़ क्वाइट इक्वल टू हंड्रेड परसेंट और वहाँ पे अटेंडेंस रेट भी इतना ही है लाइक हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस ऑलमोस्ट हर बच्चे की होती है विच इज़ एक्सेप्शनली ग्रेट तो ये सब पॉइंट्स दे विच आई वॉन्टेड टू शेयर एंड आई होप दिस वीडियो विल मेक अ डिफरेंस आई होप ड यू विल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स ताकि हम लोग अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन ला सकें चेंजिंग आर इंडियन एजुकेशन सिस्टम जब तक कि नए इंडियन एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी अप्लाई नहीं हो जाती थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल एंड बाय बाय सी यू लेटर